हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अर्चना जी, जैसे जैसे मॉल खुलने लगे हैं, औरतों के चेहरे पे स्माइल आने लगी है, है ना? मैंने देखा है कई लेडीज ना शॉपिंग के लिए अलग दिमाग लगाती हैं। कई बार अपने पति को बोलती हैं, सुनो मुझे दुपट्टा लेने मेरे साथ मॉल चलोगे? 600 दुपट्टे घर में पहले से, और क्या करने हैं? करवा चौथ आ रहा है, तुम्हारे लिए रखना, मेरे को कोई शौक नहीं है। तो जो आदमी वैसे खाने पीने का शौकीन हो, दारू वारू पीता हो ना, तो और घबरा जाता है कि एक तो पहले ही फैटी लीवर, ऊपर से अगर इसने मन से व्रत नहीं रखा तो मैं तो चलते हैं, तो चला जाता है वो। औरतों का स्क्रीन प्ले वहां पे जाके पता चलता है। कब? दुपट्टा तो ले लेती हैं जी, दुपट्टे के साथ मैचिंग एक सूट ट्राई करते हैं, फिर दुपट्टे के साथ मैचिंग सूट, फिर सैंडल, फिर बैंगल्स। तो आदमी का ना ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है। मेन ट्विस्ट बाद में आता है जब एकदम से फोन निकालती ना, ओह माय गॉड, लॉन्ग लिव हस्बैंड ग्रुप पे अभी भी मैसेज आया, अभी साड़ी पहन रहे हैं सब। आदमी का मुंह ना गुस्से में ब्लाउज जैसा हो जाता है, भड़क भी जाता है फिर कि तुम तो बोल रही थी सिर्फ दुपट्टा लेना है, तो तुम्हें यहाँ यहाँ तक ही बचाना है क्या, बाकी का नहीं बचाना है तुम्हें? फिर आदमी कुछ बोलता भी नहीं है। कई लड़कियां बड़ी शानी होती है, वो जानबूझ के ना बॉयफ्रेंड को मॉल में बुलाती हैं। अच्छा। फिर बाहों बाहर डाल के ना पूरा मॉल घूमती हैं, फिर जानबूझ के एक ऐसी दुकान के आगे से निकलती हैं जहां पे ड्रेस इन्होंने एक दिन पहले सिलेक्ट करके रखी होती है, डिस्प्ले पे भी खुद ही लगा गई है, फिर ऐसे रिएक्शन देती ना, Oh my God! AWWO, कितनी अच्छी बेबी ड्रेस। Anyways, मैं तो कैश भी घर पे बुलाई, तुम्हारे पास कार्ड है, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। आदमी सोचता है बाद में देने के नाम पे इसने कभी कुछ दिया है? जो लड़की पिज्जा के पैसे नहीं दे रही, हाँ। ये ड्रेस के 8,000 मुझे मोड़ देगी। आदमी सीखता है, फिर ऐसे एक्सपीरियंस से सीखता है। अगली बार वो मॉल में नहीं मिलता, कहता भी ऐसा है मॉल में तो ट्रैफिक बहुत है, हाँ। तुम बीच पे आ जाओ। उसको मालूम है बीच पे ज्यादा ज्यादा सिंगाड़ा और भुट्टा, इससे ज्यादा क्या खा लेगी वो। इतना सिंगाड़ा खिला के ना हार्ट वाली शेप बनवाता है रेत में, इतनी बड़ी लिख इधर मंजू लव्स राजू लिख, ऐसा वो रेत में उंगली डाल के लिखती है ना, एक हफ्ता उसकी उंगलियों से रेत निकलती रहती है। फिर अच्छी लड़कियां जब अकेली मॉल जाती हैं ना, 50 दुकानें घूमती हैं, फिर कोई महंगी सी ब्रांडेड शॉप देख के ना उसके पीछे फिर निकालती हैं फोन। I love shopping. लेती कुछ नहीं है, क्यों करती हैं आप ऐसा? आप कभी मॉल जाओ, ध्यान से ऑब्जर्व करना, मेन सेक्शन हमेशा ग्राउंड फ्लोर पे होता है, क्योंकि मार्केटिंग वालों को पता है आदमी की फितरत ही आलसियों वाली, इसको सामने कपड़े दिख गए तो खरीद लेगा ये, वरना ऊपरले फ्लोर पे नहीं जाएगा। ये तो शनिवार को तौलिये में घूमते रहते, कच्छा नहीं पहनते। फिर होता है फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे किड सेक्शन, उनको पता है बच्चे खींच धू के ले ही आएंगे। औरतों का होता है लास्ट में, उनको पता है कि औरतें पहुंच ही जाएंगी, पैशन ही ऐसा है। और 6 घंटे शॉपिंग करने के बाद भी पति कुल जान दे रही होती हैं, तुम्हारी वजह से रह गई, अभी तो मेरी काफी दुकानें पड़ी हुई थी। आदमी बोलता है सारे फ्लोर दो दो बार घूम लिए, और कितना खोद के देखो कि मॉल। लेडीज का होता है, उनको कितनी भी वैरायटी दिखा दो वो खुश नहीं होती। मैं एक मॉल में देखा, वहां पे लिखा हुआ था कि यहां पे मनचाहे पति मिलते हैं फॉरन में। पति? हाँ, चले ना जाना लेने। वहां लिखा हुआ था ग्राउंड फ्लोर पे सरकारी नौकरी वाला पति, उसने देखा ऊपर वाले फ्लोर पे चली गई, वहां पे लिखा हुआ था सरकारी नौकरी वाला पति और घर के कामकाज करने वाला भी पति, उसके भी ऊपर चली गई ऊपर वाले फ्लोर पे। वहां लिखा था सरकारी नौकरी, घर के कामकाज, शांत रहने वाला, अच्छे चरित्र वाला पति, A to Z क्वालिटीज वाला पति। और तो वहां पे भी सेटिस्फाई नहीं हुई और ऊपर वाले फ्लोर पे चली गई, वहां भगवान बैठे थे, कहते तू ही बता तुझे कैसे खुश करूं। वो औरत वहां पे भी नहीं मानी, कहती भगवान जी दिस इज द सेकंड लास्ट फ्लोर ना, एक और है ना ऊपर, कहते जाओ जाओ मेरी बीबी भी वहीं बैठी हुई है। कई मॉल में जाओ ना आप,
महंगे महंगे परफ्यूम का वो चलता रहता है प्रमोशन, तो मेरे जैसे कई चले जाते, चार पांच मिक्स कर बैठे, ये भी अच्छा है, लेना तो कोई है नहीं, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा है। रेट जब पूछते ना कि कितने का है, 25,000 का, इसकी स्मेल नहीं आ रही, कहता सर इसको रखो आप, यहाँ 500 रुपए में कोरोना टेस्ट हो रहा है, वो करवाओ पहले, सब चीजों की स्मेल आएगी। चलिए यार, ये पांडे ने ऐसा ही किया ना, हम अमेरिका गए शोज करने, इसने कोई 80,000 का परफ्यूम उठा के लगा लिया, तो उसने देख भी लिया, बाद में उसको बोलता सॉरी ये तो मेरे पास है, तो कहता है तो फिर लगा के आना चाहिए था, पेस्ट कंट्रोल की स्मेल आ रही तुम्हारे पास। अच्छा, परफ्यूम की जो शॉप्स होती हैं वहां पे ना, वो फ्रेग्रेंस मिक्स ना हो जाए, तो एक आप परफ्यूम लगाओ, उसके बाद कॉफी बीन्स रखते हैं ना सूंघने के लिए, नॉर्मल होते हैं, फिर दूसरे, ये दिनेश को उन्होंने कॉफी बीन्स दिए, इसको लगा चॉकलेट ही खा गया, वो फिर पीठ पे मुक्के मार मार निकाल रही है, तो इसको कहता मुझे लगा चॉकलेट है, कहती नहीं सर दिस इज नॉट चॉकलेट, दिस इज कॉफी बीन्स, कहता ओहो अब 2 चम्मच दूध पिला दो, मैं कैपुचिनो ही पीता हूं। फूड कोर्ट में देखना आप, भटूरे छोले की दुकान होती ना जो, उन्होंने डिस्प्ले में भटूरा लगाया होता है, पूरा फुला होता है ना, आदमी जब खुद लेता है ना अपनी बीवी के लिए, तो टेबल तक जाते जाते हवा निकल जाती है उसकी, पिचका हुआ भटूरा देख के औरत अपना मुंह फुला लेती है, महीने बाद आएगा उन्हें तो ये पिचका हुआ भटूरा खिला लेंगे, इससे अच्छा ना ही लाते मेरे को, बंदा फिर ले जाता अपना भटूरा, कहता यार बात सुनो, ये जो डिस्प्ले में लगा हुआ है ये इतना कैसे फूला हुआ, इसकी तो हवा निकलती नहीं, कहता सर ये ऐसे फूला हुआ, पंप निकालता है, कहता ये तो कपड़े का है, इसको और फुलाऊंगा तो उड़ भी सकता है सर, चाहिए आपको, खाओ जैसे मर्जी निकलेगा ऐसे ये। आजकल एक नया ट्रेंड आया, कभी मॉल जाओ, स्पेशली फॉरेन में पहले होता था, अब तो इंडिया में भी आ गया, आइसक्रीम वाले होते हैं ना 20 रुपए की आइसक्रीम ऐसे डाल के ऐसे देते हैं आपको, कुछ ऐसे ऐसे करके है ना, वो 20 रुपए की आइसक्रीम होती है, 80 रुपए उसके होते हैं कलाकारी के। अर्चना जी भी खाने चली गई आइसक्रीम, उसने जैसे डुबो के अभी शुरू करने लगा था, उन्होंने यहाँ से पकड़ लिया, उसी के हाथ से पहले पूरी कोन खाई, उसका हाथ भी यहाँ तक खा गई, फिर टूथपिक से निकाल रही, कहती मटन मटन ही होता है। फूड कोर्ट में सब खाने में बिजी रहते ना, जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ, सिजलर लेके आते ना जो सारी सब्जियां, जिसमें थोड़ी सी आग भी जलती रहती है, मैं और दिनेश ऐसे बैठे हुए थे बाहर दुबई में मॉल में, तो कईयों को पता नहीं चलता कि है क्या, तो वो भी जानबूझ के सबके बीच में से निकाल के जाता है, भूख लगे ये भी ऑर्डर करें, दिनेश ने और मैंने पहली बार देखा था, तो मैंने तो कोई हरकत की नहीं, इसके बगल में से निकला, धुआं देख के उसको लगा आरती जा रही, कहता ओहो। आप किसी भी मॉल में चले जाओ, एक जोड़ी आपको ऐसी मिलेगी जो एक कप आइसक्रीम लेके बैठे हो 15 रुपए का, और एक ही चम्मच से 2 लोग खा रहे होते हैं, पति यूं करके बैठा रहता है, पत्नी खिलाती है, बगल में जब माँ आई होती है ना, वो खींच रही होती है, क्यों? कि इसके बाप ने तो कभी मुझे खिलाई ना ऐसे, ये तो बहू के पीछे लगा हुआ है। उसको बड़ा गुस्सा आता रहता है, बीच में जब लड़का उठ के जाना, माँ मैं बाथरूम जाके आया, बेटा बहू को भी ले जा, अकेले कर लेगा। अर्चना जी, मैं मॉल खुलने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारी भी दुकान खुल चुकी है, और आज हमारे यहाँ पे जो ग्राहक अपना, जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं, ये क्रिकेट की दुनिया के 2 नामचीन सितारे हैं, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के हर खतरनाक गेंदबाज के छक्के छुड़ाने वाले धुआंधार ओपनर की, जो टेस्ट मैच भी वनडे स्टाइल में खेलते हैं। वाह, प्लीज वेलकम रन मशीन मिस्टर वीरेंद्र सहवाग, और साथ में इंडियन टीम के जबरदस्त बल्लेबाज और फील्डिंग में चीते की तरह गजब के फुर्तीले मिस्टर मोहम्मद कैफ, जोरदार तालियां एक बार। विरूपा जी, कैफ भाई, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, और दोनों बड़े हैंडसम लग रहे हैं आप। यार एक शिकायत रहेगी क्या आपको? क्या कह रहे कि तुमने वीरेंद्र सहवाग की तारीफ तो इतनी कर दी, उनके लिए सिर्फ बल्लेबाज और फील्डर बोला। नहीं, मेरी तारीफ ज्यादा करी आपने, आपने कहा बल्लेबाज फील्डर चीता। हाँ। तो वो इसको दुख हो रहा है, मुझे दुख नहीं हुआ। पाजी, लॉकडाउन में जब सारा मतलब डोमेस्टिक हेल्प भी नहीं थी, ये वो कुछ तो करना ही पड़ा होगा आपको, घर के काम तो सबने किए। सोया हूँ। अच्छा, वैसे मैं खेलते वक्त 12 घंटे सोता था जी, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो वो 15-18 घंटे हो गए। बाप रे। और आप क्या भाई? मेरे घर में सिर्फ मैं, मेरी बीवी और 2 बच्चे, कोई मेड नहीं, कोई हेल्प नहीं, सारा काम खुद किया। ये तो भाई बादशाह है, शाइन शाइन के बाद 10 लोग होते हैं घर में काम करने वाले, हमारे पास कोई था। मैं यार, मैं नवाब ऑफ नजफगढ़ हूं, मुल्तान का सुल्तान हूं, मैं काम करूंगा।
बहुत बहुत स्वागत है कैब भाई और वीरू बाजी का। आइए, आपको हमारा गांव का सेटअप कैसा लगा पाजी? तरक्की हो गई है वैसे। तरक्की हो गई है, एटीएम भी है पाजी यहाँ पे। मेरी इनवॉइस का कैश यहीं से आएगा और हमें दे भी सकते हैं आप पैसे निकलवा के। और अगर आप लेट हो जाएं तो होटल चिल पैलेस में रुक सकते हैं आप, ये देखिए। बट एक चीज तो पक्की है कि जी, दो बंदे अगर बुलाएं तो आप मना नहीं कर सकते। एक कौन बनेगा करोड़पति में, अमिताभ बच्चन और एक कपिल। लव यू पाजी, थैंक यू। वीरू पाजी तो बहुत बार हमारे शो पे आ चुके हैं, कैफ भाई हमारे शो पे पहली बार आए हैं। जी जी, 2013 से चल रहा है ये शो जी। तो आपको रास्ता नहीं मालूम था कि आपको किसी ने बताया नहीं कि आप बहुत पॉपुलर हैं, आप आ सकते हैं? जब इनका शो हिट नहीं हुआ था तब से मैं इनको जानता हूँ। अच्छा, हिट होने के एक बार मिले, फ्लाइट में मिले, बस में मिले, हाई हेलो हुई, कभी बुलाया नहीं शो पे। गलत आदमी से पंगा ले लिया, गलत आदमी से पंगा ले लिया। पर एक बार बताऊं, अभी IPL UAE में था, लास्ट वाला IPL, तो इनके वजह से मैं कितनी बार लेट हो गया। सुबह मेरी मीटिंग होती थी, मैं कोच हूँ दिल्ली कैपिटल्स का, तो वहाँ ब्रेकफास्ट मीटिंग। तो रिकी पॉन्टिंग क्या है अगर तू कोच है तो? वो भी कोच है, हम भी कोच है। ब्रेकफास्ट मीटिंग, इनका शो आता दुबई में शायद 3:30-4 बजे मॉर्निंग में आता है। तो मैं चैनल शफल कर रहा हूँ, इनका शो आ गया। अब वहाँ बैठ गया बंदा देखने, 4:30-5:30 सुबह उठते उठते मैं कितनी बार लेट हो गया इनके चक्कर में। अरे क्या बात है, थैंक यू लेट कराया मीटिंग में। कैफ को छेड़ना नहीं चाहिए, जब जब कैफ को छेड़ा ना पूरी भड़ास निकाली इसने। एक्चुअली मैं अभी बैकस्टेज पाजी से पूछ रहा था, कैफ भाई से, मैंने कहा शोएब अख्तर जो है पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े नामचीन और पॉपुलर बॉलर है, और इतना फास्ट बॉल फेंकते हैं कि ज्यादातर बैट्समैन क्या करते हैं, बैक फुट पे आके खेलते हैं। एक बार मैंने एक मैच देखा, वो बॉल लेके भागे, इधर से ये बैट लेके भागना शुरू हो गए और उसके बाद उन्होंने शायद बॉल डाली नहीं थी, वो क्या किस्सा था भाई वो? नहीं, वो थोड़ी उनकी मुझे बेइज्जती करनी थी, बेइज्जती क्योंकि वो नामचीन गेंदबाज, उनका रनअप इतना लंबा, सहवाग ने बहुत छक्के मारे, हमें मौका कम मिला खेलने को। तो वो जब आए तो मैं भी वॉक कर गया, वो बॉलिंग ने रोक दी, करी नहीं। हाँ, उतना ही करना था मुझे बस। हाँ, मुझे मालूम था मैं आगे जाऊंगा ये बंदा रुक जाएगा, बॉलिंग करेगा नहीं, तो वही मेरा प्लान था। हाँ, कामयाब हुआ कि इनकी थोड़ा बेइज्जती करता हूँ पाकिस्तान में जाके। वीरू पाजी, आपका ट्वीट मैं पढ़ रहा था एक दिन, इनके ट्वीट्स इतने मजेदार होते हैं ना। मैं दिन ट्वीट देख रहा था वीरू पाजी की, उन्होंने लिखा कि मेरा फोन जो है शॉवर में गिर गया। तो बाथरूम में क्यों लेके जाते फोन, किससे बात करते हो आप बाथरूम में जाके? यार उस पे जो मैंने नंबर दिया तूने उसकी बात नहीं की, फोन की बात। आई थिंक वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी मेरी। अच्छा, कि लोग ये सोचेंगे कि मेरा फोन गिर गया है तो फोन नंबर पे कॉल करेंगे, और जैसे वो कॉल करते थे तो मेरा एक मैसेज आता था। अच्छा, आपका स्वागत है VS ब्रांड में। वीरू पाजी, जैसे आप टीम में जब खेल रहे होते हैं तो कुछ आपके सीनियर्स होते हैं, कुछ आपके जूनियर्स होते हैं, कुछ आपके जोटीदार बन जाते हैं, खास यार दोस्त जिनके साथ आप खुल जाते हो, पार्टी वार्टी करते हो अपनी, है ना? तो ये आप दोनों के कौन थे ऐसे जोड़ीदार टीम में? हम दोनों तो नहीं थे। ये ओपनर, मैं नंबर 7। वही देख, हम दोनों थे। बहुत दूर दूर से कोई नाता नहीं है। नहीं, बट कैफ ने जब 2002 में वो नेटवर्क फाइनल जिताया था, उसके बाद से हाथ कहाँ आए हमारे। अच्छा, सुबह ब्रेकफास्ट में गुड मॉर्निंग करते थे, पूरा दिन कहाँ रहते थे पता ही नहीं चलता था। अगले दिन प्रैक्टिस में नजर आते, तो पार्टी तो इन्होंने की है। अच्छा, मैं तो अपने टाइम पे सो जाता था। आप वीरू पाजी पार्टी वार्टी नहीं करते ज्यादा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना सोने का शौक है, पार्टी करने के लिए आपको जागना पड़ेगा 11, 12, 1, 2, 3, ये 11 बजे बेड पे, तो पार्टी हम युवराज भज्जी। पर मैच से एक रात पहले तो नहीं कभी पार्टी करते होंगे? इनका बस चलता है मैच वाले दिन भी पार्टी करके आते, क्योंकि इन्होंने कौन सा सुबह उठ के बैटिंग करनी है। हाँ, पहले तो हमने ही जाना है ना। हाँ, बिल्कुल। तो जिसने पहले जाना है उसका सोना जरूरी है। हाँ, वरना उसकी आंख नहीं खुलेगी। तो ये आराम से मस्त आते थे। नहीं, मैच से पहले नहीं, मैच से पहले, मैच से पहले बैठ। नहीं, ये तो है ऐसे नहीं, हमारी इंडियन टीम जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अच्छा, हमने किस्सा सुना है कि वीरू पाजी जब भी ड्रेसिंग रूम में होते थे ना कुछ हंसी मजाक ये वो बोलते रहते थे, तो सचिन सर इनको ना उठा के केले दे देते थे कि खा लो, जब तक केले खाएंगे थोड़ी देर तो चुप रहेंगे। चुप रहेंगे। तो आपको अगर लाइफ में ऐसे किसी को केला खाने को देना हो, किसको देना चाहेंगे आप?
वापस दे दे। वापस? वापस भी ले लिया? क्योंकि अगर तू केला खाएगा ना तो ये शो बंद हो जाएगा। तू बोलता रहा कि देर से तो ये शो चलता है। बट ये सच्ची कहानी है, क्योंकि जब मैं तेंदुलकर के बगल में बैठा होता था तो मैं बोलता था यार ये तो चौका मिस हो गया, यार ये तो चौका मार सकते स्टेप आउट करके, ये क्या बोरिंग गेम है, टक टक कर रहे हैं, रोक के जा रहे हैं। तो फिर वो उठा के केला देते थे। अच्छा। थोड़ी देर तो केला खाएगा तो चुप रहेगा, बोलेगा नहीं कुछ। तेंदुलकर केला दे यार आप ना खाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या फायदा है ना, कि जैसे कपिल शर्मा बुला यार आप ना आओ। अच्छा, जैसे वीरू पाजी कह रहे हैं कि मैं बोलता रहता था कि यार ये सिक्सर हो सकता था या इसमें चार मार सकते थे, ये तो चलो धुरंधर है, खुद इनको पता है, खुद क्रिकेटर है। हमारे देश में तो हर आदमी बैठा होता ना जब मैच देखने, जिसको कोई लेना देना ही नहीं, जो कभी ग्राउंड में सैर करने भी नहीं गया, वो भी बोलते हैं माना। ये हो सकता है, अरे गलत खेल गया। और खुद उनका कोई क्रिकेट से लेना, ऐसे भी होते हैं। अच्छा वीरू पाजी, आपने ज्यादातर तो हमेशा ओपनिंग ही करी है, कभी ऐसा हुआ कभी कभी सचिन सर ने आपको बोला हो कि वीरू आज मैं ओपनिंग करता हूँ तो सामने खड़ा हो जा, ऐसा कभी हुआ है? आज तक तो हुआ नहीं है। अच्छा, अभी भी इंतजार करो, अभी हम रोड सेफ्टी एक टूर्नामेंट खेले थे। अच्छा, वहाँ भी कह रहे कि मैं स्ट्राइक नहीं लूंगा। मैंने कहा अब तो नंबर दो नंबर एक सब बराबर है, आप पे ले लो। तो उस समय कहते थे नहीं, मेरा नंबर एक पे इतना अच्छा नहीं जमता है, तो मैं नंबर दो पे रहूंगा। वाह, सचिन पाजी वहाँ भी हमें ऑन टोज रखा हुआ है कि भाई मैं कप्तान हूँ, जीतना है। मीटिंग में बिल्कुल प्लानिंग के तहत कि इसको ऐसे आउट करना है, उसकी कमजोरी ये है, तो बिल्कुल तैयारी से प्लानिंग के साथ कि जीतना है हारना नहीं है। अच्छा, ये स्ट्रेटजी भी बड़ी कमाल की चीज है कि ये प्लेयर की ये कमजोरी है और हमें ऐसे गेंद डालनी है या ऐसे फील्डिंग करनी है। ऐसा नहीं होता ना कि किसी का वीडियो ही दिखा दो कि देख शोएब तेरा वीडियो है, आउट हो जा पहले गेंद। एक बार मुझे याद है शोएब अख्तर साहब आए हमारे शो पे, तो कहते हैं हम मस्ती मजाक कर रहे थे होटल में ऐसे ही, तो मैंने सचिन सर को ऐसे पकड़ा और ऐसे पलटी मार दी, तो उनको लगा वो मेरे कुछ लग गई। कहते मैं डर गया, मुझे लगा अब क्या होगा, इंडिया में तो उनको भगवान मानते हैं, मुझे तो मार देंगे ये लोग। और वाकई मतलब लोग इतना प्यार करते हैं क्रिकेट से और आप सब लोगों से। वीरू, किसकी बॉलिंग फेस करते हुए डर लगता था? सबसे ज्यादा डर अगर किसी के बारे में सोचा मैंने, वो मुरलीधरन होते। अच्छा। हाँ, स्पिनर थे, क्योंकि उनकी बॉल मुझे समझ में नहीं आती थी कितनी घूमेगी, कौन सी बाहर जाएगी। अच्छा। उसके बाद अगर दूसरा किसी से डर लगा तो वो शोएब अख्तर थे, क्योंकि उनको भरोसा नहीं कौन सी मुंह पे मारेंगे, कौन सी जूते पे मारेंगे। एक मुरली से डरे और एक बार डोमेस्टिक क्रिकेट में मोहम्मद कैफ ने उनको आउट किया, बॉल मार दिया मैंने इनको ऐसे। भाई साहब अपनी तारीफ खुद क्यों कर रहे हो? मैं हम हैं, हम कर देंगे, मैं करूँ तारीफ। हम लोग एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेल रहे थे, वो चैलेंज ट्रॉफी होती है, तो उसमें इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी तीन टीमें बनती है। अच्छा। तो मैं शायद इंडिया बी में था जिसमें मोहम्मद अजहरुद्दीन कप्तान थे, और सी से हमारा मैच था जिसमें मोहम्मद कैफ खेल रहे थे, तो अहमदाबाद में वो मैच था। तो मैं बहुत फास्ट बॉलिंग को खूब तड़ी दी और भाई साहब बॉलिंग करने आए तो इनका एक्शन बहुत बढ़िया, वो डांस स्टेप होता ना वैसे इनका एक्शन था, एक हाथ ऊपर एक पैर इधर फिर एक हाथ ऊपर और फिर ऐसे करके बॉल फेंक। तो मुझे लगा यार ऑफ स्पिनर कोई बॉलर थोड़ा था, मैंने पैर निकाला कवर ड्राइव देने की कोशिश की, वो बॉल इतनी लंबी घूमी और वहां से सीधा विकेट में लगी। तो मैं मतलब मेरा जाना दुर्भर हो गया वहां से, ये मुझे पकड़ के लेके गए हैं, क्या हो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें ड्रेसिंग रूम तक। ड्रेसिंग रूम में छोड़ा इन्होंने मुझे अंदर, मोहम्मद अजहरुद्दीन बैठे हुए। एक्चुअली एक्सपेक्ट ही ना किया हो आपने, अपना यार दोस्त आके बोल रहे ये क्या किया कि यार कैफ से आउट हो गए तुम। हरभजन सिंह ने मुझे कहा कि भाई इतनी पिटाई तुमने हमारी की, तुम कैसे आउट हो गए, मतलब जो बंदा मिला मुझे उसने मुझे चिढ़ाया। तो बट कभी कभी होता है, बिल्कुल वो कहते ना कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। वो वाला काम था। किसी को लाइफ में हल्के में नहीं देना चाहिए, कोई भी गेंदबाज हो आए सामने उसको सम्मान रिस्पेक्ट देना चाहिए। उस दिन के बाद से मुझे पता चल गया। एक बार हमारे कोच साहब जॉन, अच्छा जी, जॉन ने इनको राइट किया था। अच्छा, अब आगे ही बताएंगे। एपा जी बताओ ना क्या हुआ था। यार हम लोग ओवल में खेल रहे थे, श्रीलंका से मैच था, तो 200 को चेज कर रहे थे, तो उससे पहले ना बहुत बारी लप्पे मार मार के आउट हो गया था। तो कोच ने कहा कि यार अगर तूने अब की बार लप्पा मार के आउट हो ना, अंग्रेजी में बोला था, मेरी उतनी अच्छी नहीं है तेरे जैसी हालत है, कि लप्पा मार के अगर तू आउट हुआ तो देख ले।
सो उन्होंने कहा कि यू गो प्ले नो प्ले 40 ओवर्स एंड यू विल स्कोर 200 रन सो इजीली यू नो आई सेड ओके मैं गया अंदर हम बेशरम कुत्ते की पूंछ सी टेढ़ी की टेढ़ी मैंने मारा लपर में आउट मैं जब अंदर आया तो कोच ने पकड़ा मुझे और पूरा ऐसा धक्का धक्का मारा और मैं अंदर गिर गया अच्छा। अभी मतलब मैंने कुछ भी उतारा नहीं था सामान मैं वहां फैल गया मैनेजर को बुलाया राजीव शुक्ला जी मैनेजर मैं कहा जी मैं घर जा रहा हूँ कह रहा क्यों मैं कहा जी मैं घर जा रहा हूँ मैं बेइज्जती कराने आया मैं इंडिया के लिए खेल रहा हूँ मुझे ऐसे कोच ऐसे बिहेव कर रहा है मेरे साथ मैं घर जा रहा हूँ तो उन्होंने फिर समझाया कि फील गो होम यू नो हमारे जो भारतवासी है वो इतना प्यार करते हैं इसे वो सब पागल हो जाएंगे तुम्हारा इंडिया में आना बैन हो जाएगा तुम्हें मार देंगे वो भाई आप सोशल मीडिया पे वीरू भाई तो खैर खासे एक्टिव रहते हैं हमारी जो हिंदुस्तान की जनता बड़ी क्रिएटिव है बड़े मजेदार कमेंट्स नीचे नीचे करते रहते हैं और आपके तो खुद के इतने फनी होते हैं तो आपके पास जब टाइम नहीं होता पढ़ने का तो हमारी एक बहुत बड़ी टीम है दो लोगों की जो फ्री रहते हैं तो वो ऐसे कमेंट्स निकालते हैं हम आपको दिखाना चाहते हैं कुछ प्लीज हैव अ लुक तो वीरू भाई ने ये फोटो डाली है उस पर लिखा है तीन चीजें बड़ी मायने रखती हैं चाय चाय का रंग चाय का स्वाद नीचे कमेंट आया और चाय वाला भी रखता है भाई ओ एक और नीचे कमेंट आया लिखा है बैटिंग में मुझे जो सही लगता है वो मैं करता हूँ वो चाहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो पाकिस्तान के खिलाफ हो या मेरे करियर के खिलाफ हो वही जॉन राइट वाली बात हाँ। मैंने तो करना है हाँ। और भी है सर आपके लिए एक स्क्रिप्ट लिखी है मेरी तरफ से आप लॉक हैं हीरोइन लाने की जिम्मेदारी आपकी फीस के साथ प्रॉफिट में शेयर भी दिया जाएगा अच्छा किसी और ने रिप्लाई किया है वैसे विलन में नेहरा कैसा रहेगा सरकार फोर में दिखेंगे सहवाग पता चलने पे बिग भी नाराज डिलाइटफुल कॉन्वर्सेशन विद ए वंडरफुल पर्सन ऐश्वर्या जी ध्यान रखना ये फील्डिंग कुछ ज्यादा ही अच्छी करते नीचे किसी ने लिखा वाह भाई वाह ऐश तो आपकी है एक और ने लिखा इनकी नहीं अभिषेक की है और भाई इतनी खुली हुई आंखें पहली बार देखी अपनी वाइफ के साथ भी कभी इतनी खुश होकर फोटो खिंचवाई है वाक्य क्या है भाई बहुत ज्यादा ही खुश लग रहे हैं आप ये कहां से वापस आ रहे थे आपने जो फोटो ले ली ये दिल्ली से मुंबई अच्छा सर पायलट का ध्यान रखना वो बार बार आएगा इन्हें देखने लोग भी वैसे क्या क्रिएटिविटी है ना अच्छा आपको फ्लाइट भी याद है ना दिल्ली से मुंबई आ रहे थे अच्छा वीरू भाई ने डाला दादा की गाड़ी में सवार होके दादा के साथ ही राइड पर दैट्स वर्स द राइड वाज विद सौरभ गांगुली फॉर दोज 5 इयर्स विश यू गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस दादा इन द कमिंग ईयर जय वीरू की जोड़ी गेंदबाजों की कमर तोड़ी राइमिंग दादा को टीम से बाहर ले जाते हुए गांगुली के राइट हैंड में तीन ही उंगली है बाकी की दो कहाँ है सहवाग अच्छा लोग कितने डिटेलिंग देखो फोटो एडिटिंग ही करनी थी तो एंजेलिना जोली को बिठाते जल्दी भाग वीरू 8 बजे ठेके बंद हो जाएंगे और दिखाइए मजे करो पार्टनर इट हैज बीन अ लॉन्ग जर्नी ऑन एंड ऑफ द फील्ड मे यू कंटिन्यू टू शाइन एंड इंस्पायर विशिंग हैप्पीनेस नीचे लिखा कैफ बी लाइक लड़की लाइन पे आ जाए तो मुझे दे देना अच्छा कैफ बी लाइक ऐसा क्या ऑर्डर कर लिया जो दोनों इतने खुश हो बीसीसीआई के खर्चे पे आईएसडी कॉल लगा रहे हो क्या एक्टिंग करा यूवी यूवी एक्टिंग कर रहे हैं फोटो शूट था एक्टर तो पहले से था युवराज सिंह ये फोटो शूट था इसने उठा के ऐसे कर दिया और सामने से किसी ने फोटो लिया अब याद आ गया अच्छा ट्रंप को कोविड से निपटने के लिए बाबा सहवाग का आशीर्वाद नीचे लिखा बाबा आपका आशीर्वाद लग गया ट्रंप हार गया
बीवी से छुटकारा दिलवा सकते हो, दक्षिणा जो आप मांगो। ये तूने लिखा होगा? अरे मैंने, और नाम हमने ब्लर क्यों है, मेरा नाम होता तो वो स्पेलिंग लंबे होते। नीचे किसी का रिप्लाई है, बीवी से छुटकारा दिला सकते तो बाबा थोड़ी ना बनते। एक और कमेंट, अच्छा ऐसे कमेंट हमेशा आते हैं, अकेले हो दोस्ती करोगे? चटपटी बातों के लिए डीएम करें। ओ, आगे। हैप्पी बर्थडे बज्जी पाजी, मस्त रहो, खुश रहो। हाँ है भाई, आंखें खोलो, गीता बसरा ने हाँ कर दी है। किसी ने लिखा टाइम से शादी ना करने के साइड इफेक्ट्स। तो ये था हमारा पोस्ट का पोस्टमार्टम, क्या बात है। कैसी हो अर्चना पूरन सिंह? आई एम फाइन सर। सर ठीक चल रहा है? क्या सर, अरे रे 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 मोहम्मद के वीरेंद्र सहवाग। वही आज तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि कपिल शर्मा के शो में आया हो या कपिल देव के शो में। मैं बैठ जाऊं? हाँ प्लीज वकील साहब आइए। हाउ स्वीट ऑफ यू यार, ही इज सच अ काइंड मैन। Myself, दामोदर जेठ मालानी, प्यार से आप मुझे दामोदर जेठ मालानी भी कह सकते हैं। ये तो एक ही बात हुई। तो यार मैं एक ही बात करता हूँ, डबल स्टैंडर्ड रखने वाला इंसान नहीं हूँ मैं। सहवाग सर, कैफ सर, आई एम अ ह्यूज फैन, ह्यूज फैन, ह्यूज फैन। पटना जाना कहीं? नहीं, आप मिले पहले इनसे कभी? जानते हैं आप दोनों को? जानते हो? इनको कौन नहीं जानता है? मोहम्मद कैफ साहब एक शेर हो जाए। अरे? अरे वो क्रिकेटर है वकील साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? तो ठीक है एक छक्का हो जाए। वीरेंद्र सहवाग सर, आपके सामने माना एक बात रखना चाहूंगा। मेरा एक जो अपना ये मेरे टांग पे टांग आपसे रखी नहीं जा रही है, और बात रखेंगे आप इनके सामने। वैसे सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे बुआ का लड़का है, उसने 6 का पहाड़ा आपकी वजह से सीखा। कैसे? नहीं सर, क्रीज पे आते हैं, बैटिंग करते हैं, पहली बॉल 6, अगली बॉल पे स्कोर 12, फिर 18, फिर 24, फिर 30, लेकिन यार मेरा वो बुआ का लड़का सर फेल भी आप ही की वजह से हुआ। क्यों? कैसे? फिर आपने अचानक 1 रन ले लिया ना, पूरा पहाड़ा गलत हो गया उसका। वकील साहब यही फालतू बातें करने आए हैं आप? ठीक है मैं काम की बात करता हूँ। सर आए हुए लॉयर, तो भाई प्रोफेशन में ना पेटेंट भी कराता हूँ। मैं आपको एक सजेशन है मोहम्मद कैफ जी, जी मैंने देखा है आप जो फील्डिंग करते हैं ऐसे डाइव लगाते हैं, बड़ी सी डाइव, तो आपकी डाइव को ना हम पेटेंट कर देते हैं, मतलब मोहम्मद कैफ डाइव। आज के बाद दुनिया में कहीं भी कोई भी डाइव करेगा, जो भी पैसे कमाएगा वो आपके हाथ में। ऐसा कोई किसी और की कुर्सी पे भी डाइव करके पैसे कमा रहा हो? वकील साहब नहीं कराना उनको पेटेंट, कुछ भी पेटेंट नहीं कराना, पेंट करा लो यार। आपके घर के दीवारें पेंट कर दूंगा, पुट्टी लगवा लो यार मेरे पास। देखो यहाँ पे सर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तेल भी लाया हूँ, मसाज करवा लो, बोनी करवा दो, प्लीज कुछ करवा लो मसाज यहाँ सर, मैं मसाज भी अच्छा करता हूँ, डीप टिश्यू। वकील साहब ये क्या कुछ भी बोले जा रहे हो आप, वकील से शुरू हुए मसाज पे आ गए आप। देखो यार शर्मा, यू बिजनेस माइंड द योर ओन, व्हाट माइंड द योर द ऑन बिजनेस द ऑन योर ओन। वकील साहब माइंड योर ओन बिजनेस होता है? होता होगा यार। बात समझ में आ गई है तो माइंड कर लो ना यार। वैसे सहवाग सर मैं ना आप पे एक आरोप लगाना चाहूंगा। अरे इतने बड़े क्रिकेटर हैं वो। वो बड़े हैं तो बड़ा आरोप लगा देता हूँ। बड़ा आरोप लगा देंगे। ए छोटू 12 नंबर का आरोप फेंक जरा। मजाक कर रहा हूँ सर, क्या कौन है भाई? मैं
तो मजाक कर रहा था, ये तो सीरियसली ले लिया भाई। जूते की दुकान पे पहले काम करता था, तो लगता है वो भी जूते की दुकान पे पहले काम करता हो। नहीं नहीं नहीं, आरोप आरोप को रहने देते हैं सर। मैं एक्चुअली आई वांट योर ऑटोग्राफ इफ यू डोंट माइंड सर। ये आज से आपकी कार मेरी हुई है क्या? ये तो मैं मतलब फॉर्मेलिटी है सर, आपकी गाड़ी तो मेरे बंदे उठा के ले गए कब के। वो गई, अब वो मेरे पास है, बस इधर एक साइन से पेन नहीं है मेरे पास। मैं एक मिनट, पेन यू हैव? नो नो आई डोंट हैव पेन। नो ओके, अजय सुनती आओ, मैं मंगा लेता हूँ, पेन है मेरे पास, आ जाएगी। आप मुझे सुनती हो मत बोला करो। देखो यार, जब तक तुम सुनती हो तब तक शो में हो। और जब नहीं सुनती हो तुम ऑडिशन की रो में हो। ये थी मेरी तुकबंदी और इनसे मिलिए, ये ही मेरी बंदी। मेरे नाकाबिल दोस्त ये भूल गया है कि मैं उनकी बंदी नहीं, मैं उनकी असिस्टेंट हूँ। हाय 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 सेवांग, हाय हाय हाय। ये ऐसी हरकतें करके क्यों मेरे दिल को जलाती हो? मुझे नमस्ते और औरों से हाथ मिलाती हो? और उसे हाथ मिलाऊंगी, आपका दिल जलाऊंगी, और आप अपने हद पे रहो वरना कोर्ट तक घसीट के चलाऊंगी। वाह वाह भाई वाह। नहीं भाई देखो, शेर और शायरी जो है सर ये बात ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ना मैं देखना चाहता हूँ तुम एक बार मुझे घसीटो। ये मुझे घसीटेगी। कई बार मैं अपने खुद के शरीर को घसीट के कहीं नहीं ले जा रहा था, ये घसीटेंगी। अरे इनका तारुफ तो कराओ। तारुफ मैं कराता हूँ, शी इज माई कैसेट्री। हाँ जी, इजेट्री। व्हाट? फैक्ट्री। सेक्रेटरी होगा? होता है वो भी, हो सकता है कोई होगा, पर जो भी हो तुम एक बार मुझे साफ साफ खुद क्यों नहीं बताती तुम मेरी कौन हो? सर आपने ही मुझे काम पर रखा है। तो ये भी मुझे बताओ ना, कौन बताएगा मुझे कौन? और काम पे अगर मैंने रखा है तो उनसे हाथ क्यों मिला रही हो भाई? क्योंकि आपके असिस्टेंट होने से पहले मैं IPL में एज अ होस्ट आती थी। ओ तुम IPL में होस्ट आती हो, तुम यहाँ भी आती हो, तुम मेरे सपनों में भी आती हो, पर ए लॉटरी तुम मेरे समझ में क्यों नहीं आती हो? आप रहने दो, मैं सहवाग से बात करने चाहिए। सहवाग जी, आप खेलते वक्त बहुत अच्छे गाने गाते थे ना, आज मेरे लिए एक गाना गा लो ना प्लीज। वो ना टेंशन रिलीज करने के लिए गाते थे, एल्बम रिलीज करने के लिए नहीं। और यहाँ पे अगर उन्होंने तुम्हारे लिए गाना गा दिया, इनकी बीवी इन्हें घर से रिलीज कर देगी। मैं आपसे सैलरी नहीं, उनसे परफॉर्मेंस मांग रही हूँ, आपका क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी आप क्रिकेट में बॉल फेंकते हैं ना, उससे बेटर है इनका चेक फेंका करो। क्यों भाई क्यों, उससे क्या होगा? क्योंकि बॉल से ज्यादा इनके चेक बाउंस होता है ना। ये जो हंसी चिटोली ये करने की कोशिश कर रही है, आप उसे इग्नोर कीजिए। बट जब सी द क्यूटनेस, क्यूटनेस है, क्यूट तो ये इतनी ज्यादा है कि इसे इसी बात के बारे में भी पता नहीं कि ये मुझसे जो वकालत सीख रही है कायदे से इसे मुझे पैसे देने चाहिए, बनिस्पत के मुझसे सैलरी मांग रही है। वैसे तुम्हारा सही है, लॉटरी हर सीजन में कुछ ना कुछ सीखती रहती हो। मैंने सुना है इंसान को हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहने चाहिए। तो अपने पैसे से सीखते रहने चाहिए, चैनल के पैसे से नहीं। हेलो। हो गया आपका? हुआ हुआ, हुआ। और आप माइंड योर बिजनेस। ये उंधी का बिजनेस है जिसमें घुसी हो तुम। ओह
अब इस बिजनेस में रहना है ना, थोड़ा बना के चलो। समझ लो खैर बात को, चलो अंदर जाओ, मेरे जरा 55 रोटियां और 2 कुकर दाल चढ़ा दो। 55 रोटी कौन खाता है? नहीं मैं ऐसे 110 खाता हूँ, राइट नाउ आई एम डाइटिंग कीटो। आप अंदर जाइए। ये अंदर कैसे जाएंगे, बाहर ही बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। ठीक है नाउ आई एम एक्सेप्टिंग द चैलेंज। आई एक्सेप्ट इट। अच्छा अब मैं तुम्हें अंदर जाके दिखाऊंगा, अब मेरे पीछे पीछे तुम अंदर आके दिखाओ। ऑफिस आओ तुम। नहीं नहीं अगर आई आई हैव टू लीव सर सर मैं चल रहा हूं। नहीं 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 सर सर सॉरी सर सॉरी सर अरे सर सॉरी। नीरू भाई ने पिछली बार बड़ा अच्छा जवाब दिया। एक बार कहते हैं देखो मैं या भज्जी या यूवी, हम लोगों ने ना ऐसी लड़कियों से शादियां की जिनकी वजह से हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो सके। उनमें कपिल पाजी भी एक थे। क्या भाई आपकी इंग्लिश शुरू से अच्छी थी, शादी के बाद अच्छी? अरे हम तो इलाहाबादी यूपी के, कहां अंग्रेजी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है। पर आप तो अच्छी बोल देते हैं। अब बेटर हो गया पहले? ये आपके मन का वहम है। ऐ कैफू बोल ना अंग्रेजी बोलो। तो मेरा भी तो वही हाल है। एक और चीज पूछनी चाहता था, जैसे वीरू पाजी हमेशा ओपनिंग करते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो कि यार अभी तो वीरू पाजी गए हैं, अभी तो 1.5 घंटा 2 घंटा कहीं नहीं गया, या जो भी आपसे पहले प्लेयर खेल रहा है और आप रिलैक्स होके बैठे हैं, गार्ड भी नहीं पहना है आपने, और झट से वो प्लेयर उठ गए और आपको जाना पड़ गया, और पेविलियन से पिच तक जाते जाते अब यही सोच रहे हैं मैंने गार्ड नहीं पहना हुआ, क्योंकि मैंने सुना हेलमेट पहले आ गए थे क्रिकेट में, गार्ड बाद में। नहीं किसी सियाने बंदे ने सोचा कि गार्ड पहले आ गए थे, हेलमेट बाद में आए। अच्छा हेलमेट बाद में आए थे, क्योंकि उस समय जनसंख्या कम थी ना वर्ल्ड की, तो इसलिए गार्ड पहले नहीं आया। किसी सियाने आदमी ने सोचा होगा ना कि भैया सर पे बॉल लग गई तो ज्यादा से ज्यादा मरोगे, अगर कहीं ऐसी वैसी जगह लग गई तो जीते जी मर जाओगे। भाई एक सवाल था अर्चना जी का, ये कह रही थी कि जो इंग्लिश में कमेंट्री होती है और हिंदी में होती है, तो इंग्लिश वालों को पैसे ज्यादा मिलते हैं? सच्ची बताऊं? हाँ। तो हिंदी के व्यूवर बहुत ज्यादा है और हिंदी के कमेंटेटर्स की ज्यादा इज्जत है इंग्लिश से। क्या बात है, होना भी चाहिए। तो जितने इंग्लिश के कमेंटेटर बैठे होते हैं उतने पैसे अकेला वीरेंद्र सहवाग ले लेता है हिंदी में। पर कमेंट्री करना बहुत आसान काम है। अच्छा हाँ। एक होते हैं कमेंटेटर क्रिकेट की बात करते हैं, क्या ये हो रहा है, कोहली ने शॉट मारी, कोहली ने कवर ड्राइव मारी, कोहली ने छोड़ा, ये तकनीक है। एक होते हैं ब्रेकफास्ट मैंने आज ये खाया। एक होते हैं बॉलीवुड की मूवी देखी, वो बड़ा अच्छी एक्टिंग करी। पर भाई साहब एक नजारा तो सुना दो कपिल को। कौन सा? कमेंट्री का। जब ये कमेंट्री करते ना ऐसे करते हैं, ऐसे बैठे हैं, ये सामने टीवी है और देखिए ये फिल्टर यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, मैं बगल में, मैंने कहा उसको थोड़ी ना दिख रहा है तुम्हारा हाथ यहाँ से यहाँ उठा के रख दिया। देखने वाले को तो ये बताओ ना कि फिल्टर कवर से उठाकर पॉइंट पर ले गए। मैंने कहा भाई साहब मैं बगल में बैठा। जैसे सिद्धू पाजी का मैंने देखा, वो कमेंटेटर जब भी होते हैं किसी मैच में वो ना मौके पे ऐसा बदल जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैच चल रहा था तो मान लो किसी ने एक सिक्सर मार दिया, हाँ। तो शुरू यहां से होते गुरु आघात से अंजाम का पता चल जाता है, हाँ। जिस तरह बल्लेबाज ने चौका लगाया ये जरूर सैकड़ा लगाएगा, अगली बॉल पे अगर आउट हो गया देखो ओवर कॉन्फिडेंस। देखो गुरु सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो बदल जाता है, तो अच्छे से कवर कर लेते हैं फिर अपनी बात। इसीलिए कमेंट्री आसान है। पर इनसे ये तो पूछ वो कौन से लोग हैं जो ब्रेकफास्ट और लंच और फिल्मों की कहानी सुनाते हैं? कौन है बाजी को? नहीं ना, ना फिर भी यार नहीं, नॉर्मली वैसे मैंने देखा स्टोरी वगैरह भी कभी सुना। ये उनकी अपनी स्टाइल है, जैसे अब आपका शो लोग हंसते हैं देख के। जी आपका शो देखने के लोग के लोग घर में खाना नहीं बनता, शनिवार इतवार को हमारे घर में खाना नहीं बनता। अरे अरे मम्मी वहां बैठी है उनके रूम में टीवी चल रहा है, कपिल शर्मा का शो आ रहा है, तो लेट आता है खाना तो 7:30 बनता है। नहीं नहीं अरे सब बैठे हुए, खाना अगर बन भी गया तो खाने वाला कौन है? खाने वाले भी एक एक रूम में बैठे हुए हैं। क्या बात है भाई, अगर मैं बाबा मैं सही बता रहा हूँ,
मैंने पापा को बताया कि मैं जा रहा हूँ शो पे, कपिल शर्मा के साथ शो हमारा है रिकॉर्ड करने। हाँ, वो इतने एक्साइटेड हो गए आपका शो देखने के लिए, वो सारे काम छोड़ देते हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है। वीरपा जी, एक और चीज देखिए, जब आप कमेंट्री कर रहे होते हैं ना, कभी कभी ना कैमरामैन सीधा, जैसे कहीं बाहर मैच है तो बीच है बगल में ही, तो कैमरा बाहर घुमा लेते हैं और सडनली हम देखते हैं कि यार मैच के बीच में चलते चलते ना ऐसे कोई कपल लेटा हुआ है, इतने इतने और इतने इतने कपड़े पहन के और एक ही एक ही नारियल में दो स्ट्रॉ डाल के पी रहे होते हैं, तो प्लेयर्स को तो नहीं दिखता, कमेंटेटर्स तो देखते ही होंगे, तो फिर आपका मन नहीं करता यार ये इंजॉय करने वाली जगह पे हम लोग काम कर रहे हैं कि आप भी कमेंट्री खत्म करने के बाद नारियल पानी ढूंढते हो? यार 2014-15 से मैं कमेंट्री कर रहा हूँ, मैंने तो अपनी स्क्रीन पे जहाँ देख के मैं कमेंट्री करता हूँ ऐसा सीन नहीं देखा है, बट हाँ मतलब अगर आ जाए तो भाई साहब इस पे ज्यादा कमेंट कर सकते हैं। अगर मान लो उनका दृश्य आ गया तो हम वहाँ चले जाते हैं कि देखिए आज धूप खिली है और यहाँ माहौल भी खिला हुआ है, बढ़िया। इंटरेस्टिंग चीज है वैसे कमेंट्री, है ना, सडनली कुछ भी हो सकता है, इंप्रॉम्प्टू चीजें होती हैं। मेरे को सिद्धू पाजी का किस्सा याद आ गया, आप आए तो मैं सुनाता हूं। तुझे सिद्धू बहुत याद आ रहा है। ये तो याद भी नहीं करने देती। जब वो कांग्रेस के प्रधान बन गए ना पंजाब के, इन्होंने नारियल चढ़ाए, कहती शुक्र है अब वहां पे बिजी रहेंगे। मैं सिद्धू पाजी के घर गए एक दिन ऐसे ही, तो सिद्धू पाजी कहते समोसे खाएगा, मैं खा लेंगे समोसे, तो मैं कहा समोसे आप तो खाते नहीं, मैं क्योंकि कहते वो मेरे को गिफ्ट आते रहते हैं, तो समोसे आ गए जी तो मैंने भी ले लिया एक समोसा, मैं कहा आप खाओ, मैं बच्चू मैं मैदा बिल्कुल नहीं, अच्छा 20 साल हो गए मैदा मैं नहीं खाता, मैं कहा फिर क्या खाते हो, मैं 8 तरह के फल उनका जूस ये वो सट लटरम पटरम आटा मैं हाथ नहीं लगाता और शाम को 6 बजे के बाद मैं खाता नहीं। मैं कहा अच्छा यार पाजी, हालांकि लग नहीं रहा था कहीं से कि ऐसा कुछ करते हैं। फिर ना हमारे अमृतसरी कुलचे बड़े फेमस है ना, वहाँ पे तंदूरी मैदे के होते हैं, कहते मैं तो मैदा हाथ नहीं करता, फिर मेरे को कहते बात सुनो मोनू का कुलचा खाया कभी? मैं कहा मोनू अपना वो अपना एयरपोर्ट रोड वाला? हाँ हाँ। मैं कहा हाँ जी भाजी खाया, वो बड़ा स्वाद होता। मैं कहा आपको कैसे पता स्वाद होता, चुपचाप खा भी लेते हो। भाजी मैंने एक वैसे बात नोटिस की है, जितने भी क्रिकेटर्स हैं ज्यादातर लव मैरिजेज हुई हैं सबकी, तो ये बाहर फील्डिंग करने का टाइम कब मिल जाता है आपको? आप फील्डर बड़े अच्छे, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। ये दोस्तों का करा धरा है, सारे दोस्त अच्छा हाँ अब आप बाहर चलो चलो खाना खाने चलते हैं, आप बाहर जाते हो तो आप वहाँ किसी से मिल जाते हो, मुलाकात होती है, फिर नंबर एक्सचेंज होता है, फिर आप बात करते हो, फिर आप लगे रहते हो रात भर फोन पे। फिर ऐसे बात आगे बढ़ जाती है। मेरे साथ तो मैं तो मेरी वाइफ जो थी उनके साथ मैं 6 साल था, फिर अच्छा मैं शादी करी। अच्छा जी। तो 6 साल क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था। अच्छा जी। इंडियन जिम 6 साल एक दूसरे को जान समझ रहे थे, समझ रहे थे, तो 6 साल बाद उन्होंने आपको समझने के बाद भी आपसे शादी कर ली। पाजी आप में तो इतना पेशेंस है नहीं इतनी फील्डिंग लगाने का, तो आपको स्ट्रगल करनी पड़ी थी भाभी से शादी करने के लिए, मतलब आराम से हो गई थी? नहीं, इनको तो यार दोस्त थे जो इनके लिए फील्डिंग कर देते, बट मेरे तो घर में ही थी ना, मेरी तो बीवी मेरी रिश्तेदार है, मेरे भाई के साले की बेटी है। अच्छा जी। तो मुझे तो ज्यादा फील्डिंग करनी भी नहीं पड़ी। अच्छा तो मैं भी देखो मैं इतना टाइम नहीं लगाएंगे, तो ताड़ ताड़ करने वाले काम है। हाँ जी। पाजी जैसे आप दोनों की दोस्ती है, आप लोग बिंदास बोलते हैं, कभी भी डिप्लोमेटिक आंसर नहीं होते, तो एक जनता जनार्दन के सवाल है, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपने बताना कि ऐसा कौन करता है। जब आप मैच खेलने जाते थे आपकी टीम में जितने भी दोस्त, आप दोनों नहीं और भी बाकी भी, होटल के सबसे ज़्यादा मज़े कौन लेता है कि पूरी फैसिलिटीज लेनी है, स्विमिंग पूल में भी जाना है, स्पा में भी जाना है, पूरा फ़ायदा कौन उठाता था, कौन सा खिलाड़ी? क्या पर मैं स्विमिंग भी करनी है, नाई के पास भी जाना है, मसाज भी करानी है, और फिर कंप्लेंट भी करनी है, यार ये होटल मज़ेदार नहीं। अच्छा रूम को सबसे ज्यादा गंदा कौन रखता था? हमारे टाइम में हरभजन सिंह। भज्जी भाजी। अच्छा अब इतने मैनेज से करता है, कहीं भी जाओ तो सब एक एक जगह रहती है शादी के बाद, पहले तो मतलब इधर जूते पड़े हैं, उधर जुराबें पड़ी हैं,
पता नहीं मतलब पूरा रूम फैला रहता था जब भी उसके रूम में जाओ. एक्चुअली मैंने देखा लड़के जो होते हैं ना डिसिप्लिन में आते ही शादी के बाद है. मैंने भी भाजी ये कॉन्सेप्ट पता चला मुझे जब मेरी शादी हुई कि डिनर टेबल पे खाना लग गया है. मैं कहा डिनर टेबल कहाँ है. तो नहीं तो हम लोग तो ऐसे ही खाते रहे पहले ही ऐसी प्लेट इधर ही रख लेनी. अभी मेरे पुराने कपड़े देखो प्लेट के निशान बने हुए हैं. और लड़के करते हैं ऐसा. अच्छा वैसे थोड़े बहुत वहम भरम तो सब करते ही हैं लेकिन सबसे ज्यादा अजीब सा अंधविश्वास में बिलीव करने वाला कौन सा क्रिकेटर है. सौरव गांगुली. दादा अंधविश्वास करते हैं. दादा पूरा उनका जो हाँ. माला होती है ऐसे पहड़ के कर अगर नेटवर्क ट्रॉफी का मैच याद हो तो ये ऐसे ये माला पकड़े हुए थे दुर्गा माँ की जो भी ऐसा पकड़ के बैठ के वो मैच पूरा वॉच किया उन्होंने. तो आपने कभी पूछा नहीं उनसे दादा क्यों रखते हो माला. दादा की गले में जो चेन है उसमें दुनिया के जितने भगवान उन सबकी फोटोएं मिलेंगी. अच्छा. और दुनिया के जितने पत्थर होते हैं ना नीलम मोंगा चोंगा तोंगा सब वो उनके मिलेंगे. अच्छा. किसी भगवान को नाराज नहीं करना. नहीं नहीं. अगर आप वो उनकी फोटो देखो जब वो लॉर्ड्स पे वो टी शर्ट घुमा रहे हैं तो उसमें उनके गले में चैन देखना और चैन में देखना कितने सारे भगवान लटके हुए. वाह ये मैंने अब तब उस समय नोटिस किया मैं अभी देखूंगा. दादा की एक और खास बात थी कि दादा का कभी खराब टाइम आता था ना तो टीम में जिसका अच्छा टाइम चल रहा है ना उससे कुछ ना कुछ ले लेना. तो बेसिकली उसका अच्छा टाइम ले लिया अपना खराब टाइम दे दिया. तो ये दादा ने बहुत किया. कोच से छुप कर रूल्स तोड़ कर पार्टी करने गए किसी से मिलने गए और फिर पकड़े गए ऐसा हुआ कभी. मैं दिल्ली डेयरडेविल का कैप्टन था तो हम लोग बैंगलोर से या चेन्नई से बहुत बुरी तरह आ रहे. अच्छा. तो उस समय आईपीएल पार्टीज होती थी तो कंपलसरी था जाना. तो हमारा कोच था ग्रेग शिपर्ड ऑस्ट्रेलिया का. तो वो इतना नाराज था इतना गुस्सा था कि हमें वो मैच मतलब इज्जत से हारना चाहिए था हम बेइज्जती से हारे. अच्छा. उनका उनका कहना ये था. तो उन्होंने कहा कि वीरू व्हाट डू थिंक यू नो दिस किड्स शुड नॉट गो टू पार्टी. मैंने कहा कोच यू आर द बॉस नाउ यू टेक द डिसीजन. तो उसने अनाउंस किया कि भाई आज कोई पार्टी में ही जाएगा. अच्छा. तो ये बात हो गई सब सब अपने अपने कमरों में चले गए. एक बजे पहुंचे हम होटल. डेढ़ बजे धीरे 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 पार्टी का जब रंग जमा तो पूरी टीम वहां पर इंक्लूडिंग वीरेंद्र सहवाग वहां उस पार्टी में मौजूद थी. तो हमारा कोच आता है हाथ में डंडा लेके और सबको डंडे मार मार के उस पार्टी से निकाल के वापस इनके कमरे में. अच्छा परफॉर्मेंस खराब हो गई तो अंदर आके बंदा बहाना भी लगाता ना कभी कभी आज मेरा ये मसल पर. तो सबसे अच्छा बहाना कौन लगाता है टीम में. मुझे लगता है कि जो बहाने बनाते थे बल्लेबाज वो इसलिए नहीं बनाते थे कि वो आउट हो गए. जैसे तेंदुलकर जी आउट होके आए तो कहते थे यार मैंने हाथ से देखा था ऐसे आउट स्विंग हो रही थी पड़ के अंदर आ गई. तो मेरी गलती नहीं थी विकेट से कांटा बदल गया. तो वो बहाना भी नहीं कह सकते उसे. बट मतलब वो जेन्युइन थे. तो मैं सोचता था यार मतलब सचिन तेंदुलकर मुझे ये बता रहे हैं कि उनके हाथ से बॉल छोटी बॉलर से जो 150 140 डाल रहे हैं और उन्हें उनकी सीम दिख रही है और कहाँ गिरी वो भी दिख रही है और फिर अंदर आई वो भी दिख रही है. तो मैंने कहा ऐसा तो तेंदुलकर भगवान को ही दिख सकता है और वो भगवान ही है. वाकई क्या बात है. क्योंकि हमें तो हमारी लाइफ में कभी ऐसा नहीं है. उन्होंने मुझे एक बार ये कहानी सुनाई कि मुरलीधरन को मैं जैसे पिक नहीं करता था. इन्होंने पूछा कौन सबसे खतरनाक. तो मुरलीधरन को कभी भी नहीं पिक कर सकता था. तो मुरलीधरन जब बॉल करते थे तो उन्होंने कहा जब उनका थम ऊपर आ जाता ना तब वो दूसरा फेंकते हैं तब बॉल पड़ के बाहर जाता है. तो मैंने कहा अच्छा मैंने कहा देखूँ. तो मैं मुरलीधरन को बड़े ध्यान से देखता था मुझे थम ही नजर ना आए. तो मैंने कहा यार इन्हें थम भी कैसे दिख जाता है. क्या बात है कितनी डिटेलिंग में है. मैं दंग रह गया. अभी रोड सेफ्टी का मैच था नेट पे बॉलिंग कर रहे थे इरफान पठान बैटिंग कर रहे थे. बॉल के कैफ में इरफान पहली बॉल खेल रहा मैं गुगली मारूंगा वो आगे खेलने जाएगा और वो स्लिप में आउट होगा. बोल के उन्होंने ऑन द स्टंप गुगली मारी इरफान पठान आगे खेलने गए वो बीट हुए स्लिप में बॉल चली गई. मैंने कहा पाजी क्या बात है यार. अभी अभी की बात है 3 महीने की पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको. भगवान ने बहुत टाइम देके बनाया आराम से. क्या बात है वाह. लव यू सचिन सर. वीरू भाई अभी हम लोग गाँव में शिफ्ट हो गए ना तो हमारे गाँव के एक भाई साहब है छेडू लाल जी उनको मैंने बोला अभी कि मत आया करो तुम बीच में पर बोलता मेरे को आना है सवाल पूछने कुछ आ जाते बड़े ढीठ हैं. हाँ जी छेडू लाल जी. मोहम्मद कैट साहब और वीरेंद्र सहवाग साहब मैं तो पहले हैरानी बड़ा हो गया. मैं कही आप लोग इस लुक्के के शो में क्या कर रहे हो. एनीवेज अच्छा मेरे को ये पूछना था कैट साहब आपसे मेरा सवाल है कि घर में जब छोटे मोटे झगड़े हो जाते जैसे बीवी के साथ हो जाता है हो जाते हैं तो उस समय फिर घर में खाना शेफ बनाता है क्या. अच्छा
अच्छा सहवाग साहब, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। ये जो मैच में ड्रिंक ब्रेक होता है तो उसमें आप अपनी मर्जी का ब्रांड पी सकते हो कि स्पॉन्सर की मर्जी का ब्रांड होता है? नहीं, आप अपनी मर्जी का पी सकते हो, पर होता तो पानी है ना वो ड्रिंक में, तो ये गलत समझ रहे भाई साहब। देखो आंखें इनकी। अच्छा कैप साहब, एक सवाल आपसे और पूछना था कि जैसे आदमी क्रिकेट से संन्यास ले लेता है, तो संन्यास लेने के बाद वो चीयर लीडर को ताड़ सकता है कि नहीं? भाई आंख आपकी है। आप दोनों से मेरा ये सवाल है कि ये जो थर्ड अंपायर होता है ये छुपा क्यों रहता है? इसने किसी से उधार ले रखा है कि ये नंगा घूमता रहता है? अरे वो तो फिल्मों के खिलाड़ी, आज असली खिलाड़ी लोग आए, सुपरस्टार एक बार जोरदार ताली हो जाए। वेरी नाइस। हाय, I be both fan of you. I, how you are? How? कैसे आप? बहुत अच्छा लगा आप लोग इधर आए। हमें भी अच्छा लगा आपको देखकर। Thank you. मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है सर। मैं तो खाने में भी मक्के की रोटी और सरसों का सेवा खाती हूँ। सरसों का साग होता है? वो स्टार लोग हैं, मैं उनकी बात करेगी, साग की बात नहीं करेगी। साग का क्या है? साग सिर्फ सर्दियों में आता है। ये सर्दी हो गर्मी हो सब में आते हैं। इस बार तो बरसात में भी आ गए, देखो। मजा आ गया। सर मेरे को बरसात से याद आया, मेरे एक सवाल था आपसे सर। सर जब आपको खांसी होती है तो आपको कफ होता है कि कैफ होता है? हो गए शुरू तेरी फालतू बातें ना। सर मेरे को बहुत अच्छा लगा था जब आपने एक ओवर में 6 छक्के मारे थे, मैं बहुत खुश हुई थी। वो युवराज सिंह ने मारे थे। अच्छा, मेरे को सर आपका हेलीकॉप्टर शॉट बहुत अच्छा लगता है सर। वो तो धोनी का होता है। अच्छा सर, आपने जब 100 सेंचुरी बनाई था मेरे को बहुत मजा आया था। वो सचिन सर ने बनाई थी। तो फिर इनको काय को परेशान किया तूने इधर? नहीं, मैं तो वो क्रिकेटर की फैन है जिन्होंने 300 रन बनाई थी, उनकी फैन हूँ। वो यही है, वो आप है सर। अरे सर, मैं सच्ची में आपको ढूंढ रही है। वो यही तो है, मुल्तान के सुल्तान। मुल्तान के सुल्तान? मैं कब से ढूंढ रही है सर आपको। थोड़ा मुल्तानी मिट्टी दो ना, मेरे को ऑयलिंग बहुत छूटता है सर मेरे हाथ में। मुल्तान का सुल्तान इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनकी बैटिंग बड़ी अच्छी है और मुल्तान में उन्होंने धड़ाधड़ स्कोर बनाया इसलिए। अच्छा, वो मुल्तान में बैटिंग की था? अच्छा, तो मुल्तान के सुल्तान। ओ अच्छा, वो दोहा में आपने अच्छी बैटिंग नहीं की, क्यों? वरना लोग क्या बोलते, दोहा का पोहा अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छा नहीं लगता। तेरे को क्रिकेट का कुछ पता है? फालतू बेकार की बातें कर रही है। नहीं सर, मेरे को ना क्रिकेट का इतना नॉलेज नहीं है सर। टेनिस के बारे में आप कुछ भी पूछेंगे ना? अच्छा। टेनिस का मेरे को सब आता है। हाँ। बता फिर टेनिस के बारे में क्या आता है? टेनिस बहुत अच्छा खेल है सर। बहुत मजा आता है सर, देखने में भी मजा आता है, खेलने में भी मजा आता है। और टेनिस वो कौन है, ऑक्टोपस नहीं, कोलंबस। हाँ, वो कोलंबस ने इसकी वो की थी, खोज की थी। टेनिस कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, टेनिस की नहीं। अमेरिका किधर घूम गया था क्या जो उसकी खोज? उनको क्या पता? उनको नहीं पता। हाँ। तो सारी चीजें तेरे को मेरे को पता है, उनको काय को परेशान के इधर बुला के रे। अरे वो क्रिकेटर है, वो क्रिकेट के बारे में जानते हैं ना। तू जिस काम के लिए, तू अपने काम की बात करना। हाँ सर, सर मेरा पार्लर था इधर। हाँ। मेरा पार्लर इसने हटा दिया इधर से। हाँ, तू अपना काम की हट। बड़ा है इधर, म्यूजिक दे रहा है। पहली बार काम किया इसने 4 एपिसोड में। टी हाँ, तो सर मेरा बहुत प्रॉब्लम हो गया सर, मेरे पास काम नहीं है, मेरे को नौकरी दो ना एम्पायर का। तू कैसे बन सकती एम्पायर? अरे एम्पायर क्यों नहीं बन सकती, तेरे को मालूम है कप्पू सर, कोई भी आदमी ऐसा पीता है ना, मैं देख के 2 मिनट में बता देती है कब आउट होगा। हाँ। अच्छा सर, मेरे को आपसे जानना था सर, ये जो एम्पायर लोग ऐसा ऐसा करते हैं, वो क्या करते हैं सर ऐसा खड़े होके? फ्री हिट का इशारा होता है। फ्री हिट? हाँ। अच्छा, मेरे को लगा शक्तिमान बनने की एक्टिंग करते हैं सर। अच्छा अच्छा सर, एक बार मेरे को पूछने का था, वो एम्पायर जो रहता है, एक आपका वो इस तरफ रहता है और एक पता नहीं किधर ऐसा दूर खड़ा रहता है, दोनों का जमता नहीं क्या? लेग एम्पायर होता है।
अच्छा लेग एम्पायर रहता है, वो कितना महंगा खेल है ना। लेग के लिए अलग एम्पायर है। तो सर मुंह और धड़ का कौन देखता है? कैसी फालतू बातें कर रही, चल यहाँ से। तूने मेरा पार्लर हटाया, मैं तेरे को देखेगी बाद में। तू देख फिर भी चलो मसाज बोल के जाएगी। हाँ। हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है सर। तो सर हमारे पास ओपनर मसाज है सर आपके लिए। इसमें क्या होता है? उसमें क्या रहता है, कस्टमर को हम लोग तेल लगाते हैं और उसको सामने बिठा देते हैं। हाँ। और फिर उसके सामने ऐसे बैठ जाते हैं। हाँ। तो मसाज कहाँ है? तो पार्लर कहाँ है? सर एक और मसाज है मेरे पास, पांडा मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहता है, एक पांडा आता है। ए पांडा, पांडा ये पांडा है। ये कौन है? ए कप्पू, इसका ना शो आ रहा है, पांडा शो। अच्छा। हाँ, तो ये इधर इंटर्नशिप करना है, तेरे से सीखने के लिए आया है कि शो कैसे बनाते हैं। मेरा दोस्त है पांडा। किसी का दोस्त कैसे हो सकता है? अच्छा तेरा दोस्त वो पांडा हो सकता है। मेरा दोस्त ये पांडा नहीं हो सकता। तो अभी इसको क्यों यहाँ लेके आई? अरे बहुत टैलेंट है इसके अंदर सर। अच्छा। हाँ, और आपके क्रिकेट में है ना वो हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या, ये हमारा कुंफू पांड्या है। हाँ, ये सब मिमिक्री भी करता है बहुत अच्छा। अच्छा। हाँ, ए, ए, पांडे का मिमिक्री करके दिखा। देखा, आइए आइए आराम से। हाँ, ये खुल गया ना, गंदा मुंह है तेरा, अच्छा नहीं लगा। हाँ। अच्छा अभी उसका उसका मिमिक्री करके दिखा, शाहरुख खान का। अच्छा ये सुन ना, सलमान खान का दिखा। अच्छा अभी ना अर्चना जी का दिखा। कप्पू ये सबका मिमिक्री करते, तू पूछेगा ना, तू जो नाम लेगा उसका करता है वो। पांडा। हाँ। गोविंदा जी के करके बताओ ना। अभी कृष्णा की करके दिखाओ। अब सपना की करके दिखाओ। मैं तेरे को शो में फिट करने के लिए आई, मेरा काम खराब कर रहा है तू। चल भाग इधर, भाग भाग इधर, भाग। अबे उसको संभाल, चल बाय, मैं आती हूँ देखती हूँ। पाजी जैसे हमारे देश का नाम रोशन किया आपने पूरी दुनिया में क्रिकेट खेल के, और क्रिकेट को लोग इतना प्यार करते हैं, और क्रिकेट जैसे हमारे देश में बहुत सारी लैंग्वेजेस भी हैं, तो हमारे शो में बहुत सारे लोग अलग अलग शहरों से आते हैं, अलग अलग लैंग्वेज को बिलोंग करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप में से कोई भी अगर जिसको ऐसे कमेंट्री करनी हो लेकिन रीजनल भाषा में, ना कि हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के, तो आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। जी भाई साहब। कपिल जी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम मनीष भट्टाचार्य है। जी मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं बंगाली हूँ। अच्छा। और बंगाली में कमेंट्री करने का प्रयास करना चाहता हूँ। प्लीज सर। जमने की आप सब जाने, इंडिया टारगेट 325 रन, কিন্তু প্রথম পাঁচ ব্যাটসম্যানরা পটপট করে খুব তাড়াতাড়ি আউট হয়ে গেছে। যা পটপট করে এখন অনেক রানের দরকার। আর পিছে আছেন মোহাম্মদ ক্যাফ আর বীরেন সাহওয়াগ। পুরো চাপ টেনার মাথার উপরে, এখন খুব ভালো করে খেলতে হবে, রান বানাতে হবে আর উইকেটে থাকতে হবে, খুবই কঠিন কাজ। আর এই মোহাম্মদ ক্যাফ বলটা খেলে দিলেন মিড অফের দিকে, এক রান নিলেন, এখন তার স্ট্রাইক রেট স্ট্রাইক এসে গেছেন বীরেন সাহওয়াগ। কিন্তু এই এক রান নিয়ে কিছু হবে না, ছ চাই চার চাই, রনের বৃষ্টি চাই পুরো, তাহলে টার্গেটটা হতে পারবে। আর এই বলটা বীরেন সাহওয়াগ আগে এসে মেরেছেন, বলটা যাচ্ছে যাচ্ছে চলে গেছে স্টেডিয়াম বাইরে, ছ রান। আর এই ছড়ার সাথে বীরেন সাহওয়াগকে কলকাতা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে রসগোল্লা আর মাছের ঝোল দেওয়া হবে গিফট। ওয়াও, মেরে কো রসগোল্লাই সমঝ আয়া বস, পর বেঙ্গলি বড়ি সুইট ভাষা হ্যায়। বহুত বহুত ধন্যবাদ ভট্টাচার্য সাহেব। আর কোই হামারে দোস্ত? ইয়া প্লিজ কাম। Hi Kapil sir. Hello. Hi everyone. I'm Monali. Hi Monali, welcome. तो आज मैं उन commentators में से हूँ जो तैयार होने में इतना time लगा देते हैं, जो stadium late पहुँच जाते हैं, तो मैं वो कनाडा में बोलने का प्रयास करूँगी। अच्छा जी। तो
नमस्कार ना सॉरी नानी वत तुम्बा लेट आग बंदे या कंद्रे नाने ने रात्रि टीम मेंबर्स जते पार्टी घोगी दे अल हैंगओवर है तो आधे के दो लगा हैंगओवर हेड्रेस बंदिला मेकअप आर्टिस्ट बंदिला बट्टे कूड़ा सिक्तेर लेला आधे अन्ना तम्मा बट्टे तगन बंदे देने मत ट्राफिक अंतु केले बेड़ी बैंगलोर अली ट्राफिक केले अर्ध टाइम हो बेड़ते इवाग नोड़ी टॉस आगे सेवाग सर मत के एफ सर ಇಬ್ರೂ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಸರ್ ವಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆ ಎಫ್ ಸರ್ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಯಾರ್ ವೈಸೆ ये कितनी खूबसूरत बात है हमारे देश की हिंदुस्तान की कि इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं हमारे यहाँ पे और कई बार हम लोग समझ भी नहीं पाते एक दूसरे की लैंग्वेज लेकिन प्यार मोहब्बत और जैसा हमारे शो को देते हैं आप हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनको जो प्यार देते हैं वो दिखता है आपकी बातों से भी और आपकी आंखों से भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए और बहुत अच्छा बोल रही थी आप और कोई हमारे दोस्त हेलो कपिल सर हेलो हेलो एवरीवन सर मेरा नाम पीयूष है मैं हरियाणा में कमेंट्री करना चाहता हूँ यहाँ गलती मत करना क्योंकि वीरू भाई सब समझेंगे हरियाणवी तो हम भी समझते हैं हम भी समझेंगे पहले सारा ने राम राम आज भारत और इंग्लैंड का मैच है घना मजा होगा बारिश आन लाग रही है और नुए मौसम घना कसूता हो रहा है आज नुए वीरेंद्र सहवाग जी छक्का में छक्का मारेंगे तो हम देखा है कैफ जी आओगे और बॉलिंग करेंगे ये कुत्ता कड़ता आ गई ना काटिए ना बारे पर कैफ जी अब अपनी बॉल घिस रहे हैं अपने पजामे पे अब ये पजामा घिसते घिसते अब ये नहीं पता पजामा पाड़ेंगे या अपनी पिच पाड़ेंगे और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं आज यहाँ पर सिंधी में एक कमेंट्री शायद कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने सिंधी मिठाइयाँ बड़ी अच्छी होती है लेकिन आए आप एड्रेस भेज दीजिए मैं भेज दूंगा तो शुरुआत करते हैं जैसे सिंधी में आपको कमेंट्री सुना देता हूँ जय झूलेलाल सिंधियन जो अमीन से आनी मतलब मुझो नालो किशन है ए माता मां सबनी जो स्वागत तो कया इन कपिल शर्मा स्टेडियम में अज इत धमाकेदार मज़ेदार लज्जतदार लज्जतदार तो न हों छो तो खाधो पीतो न मिलो एक धमाकेदार क्रिकेट जो मैच तो सभी का पैरी असा शुरुआत कंदी टॉस का तो टॉस थी खर ए बुर इंदी खर इंदी तो कैफ बॉलिंग कंदो ए बुरा इंदी तभी कैफ बॉलिंग कंदो छो तो रूल असांजो हलंदो मैच किसके बीच चल रहा है ये तो बताओ मैच हले तो सहवाग जी जे विच में ए कैफ जे विच में तो अज यो सुहाणो डी आ है ए हेयो मैच हलंदो फाइनल आ है जेको सहवाग ए कैफ जे विच में आ है टॉस खटियो ता तो टॉस खटी आ है कैफ ए उन बॉलिंग चूंडी आ है तो अज यो बॉलिंग कंदा ए बैटिंग कंदा सहवाग T20 है T20 टेस्ट नहीं है पर बड़ा अच्छा लग रहा है प्रॉपर सिंधी लैंग्वेज है जी जी बिल्कुल अच्छा मैंने मेरे बहुत सारे सिंधी दोस्त हैं लेकिन ऐसे कभी सिंधी में बात करते हुए मैंने किसी को नहीं सुना लेकिन कुछ कुछ समझ आ रहा था ना जो आप बोल रहे थे सिंधी में पंजाबी पंजाबी और गुजराती का कच्ची गुजराती होती है वो मिक्सचर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एक बार जोरदार तालियां वीरू पाजी और कह भाई के लिए आइए सर विरूपा जी कैब भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू और हमेशा ही मजा आता है आप आज पहली बार आए लेकिन इतना मजा आया आपके किस्से सुन के कहानियां सुन के और आते रहा करो पाजी जल्दी जल्दी आप बुलाओगे तो आ जाएंगे लव यू पाजी थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक्स अ लॉट और दोस्तों लाफ्टर का डोज लेके हम लोग आते रहेंगे आप वैक्सीन का डोज लेके खुद को सुरक्षित रखिए आप स्वस्थ रहे खुश रहे गुड नाइट शब खैर थैंक यू For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.